हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे पापा का बर्थडे। यस गाइस, सो आज पापा का बर्थडे है और हमने सोचा कि आज बर्थडे है तो क्यों ना पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। तो हम जा रहे हैं आज जाठिया माता मंदिर। सो मैं आपको दिखाती हूँ और मिलाती हूँ अपनी बहन से। कार कितने ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। सो ये है मेरी बहन। हाय एवरीवन। तो आप कहाँ को तैयार हो गए हो? आज हम मंदिर जा रहे हैं और ये है मेरा OOTD जो आपको सुमेरा बाद में दिखाएगी आउटफिट। मैं नहीं दिखाऊंगी, दिखाना पड़ेगा। नो, सॉरी, एक्साइटेड। इसका भी नहीं दिखाऊंगी मैं, कोई शूट भी नहीं करूंगी। तो तू खुश है आज जाने को? हम इतने टाइम बाद जा रहे हैं शिमला में कहीं बाहर, और वो भी मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ साथ लेके। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी का ध्यान रख के। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, हमारी मम्मा तैयार हो रहे हैं। हेलो बोलो। हाय। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट। ये बहुत चला गई थी ना, देना ही चाहती हूँ मैं आपको गॉगल। दीदी तुझे दो चिप्स के पैकेट दूंगी, दे दे। 100 चिप्स। रेडी हो चुके हैं और सुमेरा का कैमरा मैंने ले लिया है। उसको ये चीज़ पता भी नहीं है और पता भी नहीं लगती मुझे। जब एडिट करेगी तब उसको सरप्राइज मिलेगा। और मैं अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, मैं कैसे दिखाऊंगी। सो कुछ इस तरह का है मेरा आउटफिट। और अब हम लेट हो रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। वे हम जूस का है पकड़। अब जैसी शक्ल है वैसी है। तो मैं आपको अपनी दादी से मिलाती हूँ। दादी हेलो बोलो। हेलो, इधर बोलो इधर कैमरे में। हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? हम जाठिया देवी जा रहे थे। वेरी गुड, तो चलो आ जाओ। आप खुश हो जाने के लिए? आज खुश है तो माता की कृपा होती है ना, तो खुश ही होते हैं। हाँ, तो आपने देख ही लिया होगा कि दादी कितनी एक्साइटेड है जाने को। अब हम जा रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट हाँ चंडीगढ़ के कंपैरेटिवली तो बहुत कम है, बट फिर भी आज धूप है और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो चलो चलते हैं। छोटू यहाँ पे दिखाओ, छोटू अपना बैग दिखाओ, अपना बैग लेके। बैग कहाँ रखा आपने? अभी इसने हाथ में बैग खा लिया, अभी इसने वो टाइमर को दे दिया है। तो हम जा रहे हैं। उफ, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ है ना कि उफ, क्या ही बोले। क्यों मैडम? यस, गर्मी है ना, है ना ज़्यादा। अच्छा क्या चंडीगढ़ की शिमला बोलो, बोलो। चंडीगढ़ अपनी जगह, शिमला अपनी जगह। हाँ वेरी गुड। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था जैसे ही हम निकले, आप देख सकते हैं, क्योंकि वीकेंड था और फिर टूरिस्ट का आना जाना तो लगा ही रहता है शिमला को, आप देख सकते हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब जिस मंदिर हम जा रहे हैं, वो मेरे घर से करीब 1 घंटे का है, बट आज बहुत ट्रैफिक था तो थोड़ा सा हम लेट हो गए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं जाठिया देवी माता मंदिर, उस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है।
और दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है माता के मंदिर के लिए रास्ता और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आसपास पेड़ हैं, ग्रीनरी है और एक शांत सा वातावरण हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर और मैं आपको दिखाती हूँ। अदिति भी यहाँ पे पेड़ को चढ़ने की कोशिश कर रही है ना। निकाल निकाल दे तो बाद में धो देंगे ना। तो अभी हम पत्ता निकाल रहे थे क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रसाद चढ़ाना है। तो जल्दी, कितना अच्छा ना यह मौसम है ना, इतनी हवा सी और यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। हेलो बोल दो सर। हेलो हेलो बेटा। हेलो बोलो मेरी पोती की चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी पोती की चैनल को सब्सक्राइब करना। आज ही हो जाए पोती का चैनल, आज ही मार। सो गाइस, आप देख सकते हैं मंदिर में के जो एंट्रेंस है उसके आसपास का व्यू और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और पीसफुल है। आप देख सकते हैं कि लुक पूरे मंदिर का। सो गाइस, मंदिर जाने के बाद हम वापस आ गए थे और बीच में खाना खाने रुके थे। सो गाइस, हमने खाने को चिप्स कोल्ड ड्रिंक ले ली है। आप देख सकते हैं छोटू लगा है सर्व करने सबको। क्यों छोटू? लिए माउंटेन ड्यू फ्लेवर टर्की एंड पीनट। दोनों अपना ही कर रही हैं और सब क्या कर रही है अपना खाने का। कुरकुरे बहुत अच्छे होते हैं। माउंटेन ड्यू खाओगी? खाओगी, पीते हैं। हाथ धोए तो गाइस, अब हम यहाँ पे सब खाना पीना कर रहे थे। हमने सॉफ्ट ड्रिंक और कुरकुरे खा रहे थे हम। इस खाना खाने के बाद भाई जितने भी रैपर्स थे वो एक बैग में रख रहे थे क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए और जितने भी रैपर्स है डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए। तो इसके बाद हम वापस चल पड़े थे। आप देख सकते हैं और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई क्योंकि मोड़ थे इसलिए। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और काफ़ी हमने इन्जॉय भी किया। सो अब मैं रेस्ट करती हूँ और फिर हम मिलते हैं शाम को। केक
कटिंग के बाद हमने डिनर किया और बस यही था फिलहाल आज का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।